हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे एसएससी जेई 2022 के टॉपर स्टॉक की। आज का एसएससी जेई 22 जो भी आपका एसएससी जेई 2022 की टॉपर स्टॉक है उसमें आज मेरे साथ हमारी क्लासरूम स्टूडेंट जो है रिंकी है, और इन स्टूडेंट के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया है, क्या क्या इनको इस मुकाम को हासिल करने में क्या क्या समस्याओं का या क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो यहाँ पे कुछ भी जो भी हम इस बारे में जानेंगे, जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा आज का, उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ रिंकी के बारे में बताना चाहूँगा। रिंकी जो है हमारी क्लासरूम स्टूडेंट रही है, जिन्होंने जोनटेक से ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी, उसके साथ साथ इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ प्रीलिम्स की, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी जिस मोड में रहती है अवेलेबल, वो इन्होंने यहाँ से ज्वाइन की थी। जब इनका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया उसके बाद इन्होंने एसएससी जेई मेंस की यहाँ से ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करी थी, और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ इन्होंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी यहाँ से ही कंटिन्यू रखी थी। इस दौरान जब यहाँ पे रिंकी ऑफलाइन क्लासेस ले रही थी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले रही थी, उस वक्त भी इन्होंने जोनटेक की टेस्ट सीरीज से काफ़ी दफ़ा कई सारे पेपर्स में टॉप किया था, और ये जो रिंकी का रिकॉर्ड है ये शुरू से ही रहा है कि हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं एक अपने अच्छे से डिपार्टमेंट की तरफ जाएगी, और हाँ इसने इस ट्रैक को बनाए भी रखा। और आज एसएससी जेई 22 का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। तो ये मेरी तरफ से इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बाकी मैं एक डिटेल इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ कि आपने बहुत कम समय में और एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। अगर हम बात करें एसएससी जेई एग्ज़ाम की, तो एसएससी जेई एग्ज़ाम में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो सबकी हमेशा से चॉइस रहा है, वो डिपार्टमेंट आपका सीपीडब्ल्यूडी, और आपने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ही एक जेई की पोस्ट अचीव की है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से, जोनटेक परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है बेटा, वो सेशन हमारा रहेगा कि आपकी जो जर्नी रही है, आज जिस मुकाम से आपने शुरू किया था या जहां से आपने सोचा था कि हाँ मुझे कुछ बनना है, वहां से लेके जहां आप कुछ बने हो, उस दौरान जो आपकी जर्नी रही है उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट को बताएं कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं बच्चों को पहले, ताकि बच्चे आपसे रिलेट कर सकें। सो मायसेल्फ रिंकी मीना, I live in Jaipur. My father is currently working in income tax office as AO. So I joined NIT Calicut in 2018 after cracking JEE exam. Okay. So throughout my journey, whatever I learned was the engineering aspect. Okay. So I wanted to explore much more in this. मतलब आपने शुरू से ही ये एक प्लान कर लिया था आपके माइंड में कि या फिर शुरू से ये था कि आपको तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही अपने आप को आगे कंटिन्यू करना है, जबकि अगर बात की जाए तो आपके पेरेंट्स या जो आपके पिताजी है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसका मतलब ये कि वो किसी नॉन टेक डिपार्टमेंट में है जहाँ पर सेम डिपार्टमेंट होगा। मैं आई होप कि एसएससी के ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, आप एसएससी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, तो आपका क्या बेटा ये माइंड शुरू से था कि मुझे तो टेक्निकल फील्ड में ही रहना है? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे गाइड या फोर्स किया ही नहीं जी। उन्होंने बस बोला जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम अपने लिए चूज कर सकती हो। तो थ्रू आउट मेरी जो कॉलेज लाइफ चल रही थी उस टाइम पे, मैंने जैसे जैसे इंजीनियरिंग को आगे समझा तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, तो मुझे लगा था कि मुझे सर्व भी इसी चीज में करना है। तो फोर्थ ईयर के टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं AEN के लिए प्रिपेयर करूंगी। जब फोर्थ ईयर खत्म हुआ तो मैंने सर्च किया कौन सा इंस्टीट्यूट लेना है, क्योंकि मुझे जयपुर में रहना था। तो जोनटेक से मैंने बहुत लोगों के बारे में भी सुना था, मैंने ऑनलाइन भी उसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज देखे थे। ठीक है। उसके बाद मैंने जब जोनटेक ज्वाइन किया, उसकी जर्नी जैसा कि आपको पता ही है, अब मैं सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करूंगी थोड़े टाइम बाद। बहुत बढ़िया बेटा, ये है तो आपका कहने का मतलब है कि जब आप कॉलेज से पास आउट हुई तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक ये विचार आ चुका था कि मुझे तो टेक्निकल फील्ड में जाना है। टेक्निकल फील्ड में अगर बात करें, बड़ा छोटा सा डिस्कशन में लेना चाहूँ, क्योंकि जब भी कोई बच्चा टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है, या फिर मेरा खुद का मानना यही है कि जब भी कोई बच्चा किसी भी जगह जाना चाहे तो हमेशा टॉप की तरफ जाना चाहेगा। तो अगर बात करें बेटा टेक्निकल फील्ड में, तो टेक्निकल फील्ड में कई सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, तो जैसे अगर बात करें UPSC या फिर गेट हुआ, आपने AE और JEE वाला फील्ड को ही क्यों सेलेक्ट किया बेटा? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जस्ट पास आउट होंगे और पास आउट होने के बाद उनके माइंड में यही चीज रहती है कि नहीं मैं तो कुछ बड़ा करूंगा, बड़ा करने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, वो UPSC की तरफ जाना चाहेंगे या फिर वो गेट की तरफ जाना चाहेंगे, अपने कुछ साल गेट पर बर्बाद करेंगे या कुछ साल अपनी मेहनत कहीं अलग डायरेक्शन में करेंगे, उसके बाद वो चेंज करते हैं डायरेक्शन। तो आपके माइंड में ऐसा क्या था बेटा कि आपने इस फील्ड को सेलेक्ट किया? मैंने थर्ड ईयर के बाद में थोड़ा सेल्फ गेट के लिए प्रिपेयर किया था, और मैंने गेट लिखा भी था, उसके अंदर मेरे 48 मार्क्स आए थे। अरे वाह, ठीक है।
उसके बाद मुझे NITs भी ऑफर हुई थी, बट मुझे अच्छा हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन वो मुझे नहीं करना था, मुझे जॉब चाहिए थी। PSU से कॉल नहीं आए थे, तो उसके बाद मुझे लगा कि गेट के अंदर ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है, जो शायद उस वक्त मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। डेफिनेटली बेटा होती है, क्योंकि सिर्फ उसमें एक एग्जाम से आप किसी भी PSU में जॉब तो नहीं ले सकते, डेफिनेटली जी। उसके लिए ज्यादा एफर्ट चाहिए थे, तो मुझे कम टाइम में जॉब करना था, तो मैंने सोचा कि JEE ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने SSC JEE के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, 5 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट सब कवर हो गया था। क्या बात है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, आप इस चीज़ को ध्यान समझना। हो सकता है आज के जो ये सेशन आपके सामने आया है, इसका एक एक वर्ड एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों की सफलता से ही सीखते हैं, और जब हम किसी सफल आदमी को हमारे सामने देखते हैं तो डेफिनेटली हमारा भी मन करता है कि हम इसकी तरह बने। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपकी जो इन्होंने कहा है कि केवल मात्र 5 महीने की जर्नी में इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। इनका एजुकेशन बैकग्राउंड शुरू से अच्छा रहा है, नो डाउट शुरू से पढ़ने में अच्छी है, लेकिन फिर भी 5 महीने के एक शॉर्ट अंतराल में आप किसी इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंचना, मतलब एक काबिले तारीफ की बात है बेटा, और दोबारा मैं इसके लिए आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ इस बात पे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे कि आपने फाइनल ईयर से निकले, फाइनल ईयर में निकलने के बाद आपने सुना कि JEE सबसे अच्छा है, और जो कि डेफिनेटली है भी, आपने रियलाइज कर भी लिया होगा मैं आई होप। ठीक है, उसके बाद जो 5 महीने की जर्नी JEE के साथ आपकी रही है, उसमें JEE ने आपको किस तरह से, JEE ने या JEE परिवार ने या JEE की फैकल्टीज या स्टूडेंट्स ने किस तरह से आपको लगातार इस सफलता में आपका योगदान रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी का जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे जी। आप उनको पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो, और क्लास में भी, वेदर इट इज रिलेटेड टू अकेडमिक्स या फिर कोई पर्सनल डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो आराम से जी। अदर देन दैट जो यहाँ के टेस्ट सीरीज है, अगर मैंने टेस्ट सीरीज, हर टेस्ट सीरीज दी, चाहे वो मैं कुछ भी कर रही हूँ, पर टेस्ट सीरीज कभी मिस नहीं करती थी, और गंदे मार्क्स भी आते थे, लेकिन ठीक है, उसको बाद में एनालाइज करके क्वेश्चंस लर्न करते हैं या फिर सीखते हैं। उसके अलावा जब SSC का मेन 10 टेस्ट रिलीज हुए थे, उस टाइम पे जो मेरे मार्क्स बनते थे 120 to 125 या 30 के अराउंड बनते थे, आउट ऑफ 300, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम उतने ही मार्क्स मुझे मिलते थे, और वही मेरा मेन एग्जाम में भी सेम परफॉर्मेंस रहा है, मेरा 122 मार्क्स है। इसका मतलब यहाँ पे मैं टेस्ट के बारे में एक और बात करना चाहूंगा, जैसे देखिए जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, इवन जब हम भी इस दौर में थे तो हम भी इस चीज को हल्का सा फील करते थे कि कहीं ना कहीं हम डरते थे कि टेस्ट सीरीज मत लगाओ यार, टेस्ट सीरीज लगाएंगे नंबर नहीं आएंगे, नेगेटिव ज्यादा जाएगी, मुझे बुरा लगेगा, बस इतना सा डर होता है, इसके लिए कोई डर नहीं होता है। तो आपने इस डर से कैसे सामना किया कि नहीं मुझे तो टेस्ट सीरीज लगानी है, मार्क्स आओ चाहे नहीं, इस चीज को कैसे ओवरकम किया बेटा? लोगों की बातें सुनना छोड़ दें, अपने दोस्त, लिमिटेड दोस्त बनाए जो पढ़ने वाले हों, बस अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छी चीजें सीखेंगे। बहुत सही, बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कहता हूँ आपको कि अगर आप जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता देखना क्यों है, डेफिनेटली अगर आप AEJEE की तैयारी कर रहे हो तो अपने आसपास सराउंडिंग में वही स्टूडेंट रखें जो AEJEE की तैयारी कर रहे हो या टेक्निकल फील्ड के हो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे असिस्टेंट इंजीनियर बनना है और आप एक ऐसे स्टूडेंट के साथ संगति कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहा है या फिर किसी JEE एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपना डाउट तो आपसे डिस्कस करेगा, तो वहां पे वो हेल्दी डिस्कशन ना होकर वो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट में या फिर कहीं ना कहीं फालतू की चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब जैसे कि हम बात करें, आपने JEE से टेस्ट सीरीज भी ली है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी रही है, इस दौरान 5 महीने के अंतराल के दौरान कोई भी स्टूडेंट, आपको नहीं पता था कि आपका 5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपने अपना 100% दिया है, और इस 5 महीने के अंतराल के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना किया होगा आपने, कई सारे ऑब्स्टेकल आपके सामने आएंगे, जैसा कि आज का बच्चा सबसे ज्यादा फेस करता है, तो मैं चाहूंगा कि वो ऑब्स्टेकल आप बताएं कि जिनका आपने भी सामना किया है और बच्चे भी उनसे सामना करते हैं, और उन ऑब्स्टेकल से आपने कैसे ओवरकम किया इस चीज को। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट होता है, कभी कभी जब हम रिवीजन भी कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि इनफ नहीं है बिल्कुल। लेकिन सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया था, प्रॉपर रिवीजन, डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे डेली रिवाइज करना, और वीकली रिवीजन भी मस्ट होता है, बहुत सही। अगर आप कुछ भी भूल रहे हैं तो वो चेकआउट करना चाहिए। उसके अलावा 3 बुक्स मैंने रेफर की थी, यहाँ की वर्क बुक, 5300 क्वेश्चंस वाली बुक, और SSC के PYQs, उनको रिपीटेडली एटलीस्ट मैंने 5 टाइम्स किया था। तो एटलीस्ट आपने एक बुक को 5 बार रिवीजन किया है, बहुत ज्यादा भी शायद हो सकता है किया होगा। मतलब आपने अपना जो स्टडी कंटेंट है उसको ज्यादा ना फैला के प्रिसाइज रखा है, लेकिन उसका रिपीटेशन बढ़ा दिया आपने, राइट? रिपीटेशन करने से हमें क्वेश्चंस रिटेन हो जाते हैं और हमारे हाथ को प्रैक्टिस हो जाती है जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की, और SSC आपके नॉलेज से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट चेक करता है जी बेटा, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि रिपीटेशन, जैसा कि मैं आपको बता भी देता हूँ, टेक्निकल एक ऐसा वास्ट फील्ड है जहाँ पे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 15-20 दिन हाथ नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट आपके माइंड से वॉश हो जाएगा, आपके माइंड से उसके कॉन्सेप्ट हटने लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये चीज ध्यान देने वाली चीज है कि रिपीटेशन आपको कंटिन्यूसली करना है, जैसे कि रिंकी ने किया था
कि जब रिवीजन की बात करते हैं तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बिना तीन बार रिवीजन के तो मैं किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तीन बार पढ़िए, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तीन बार लगाइए। इस चीज से इन्होंने दो कदम आगे जाके उस चीज को यहाँ पे 5 बार रिवीजन किया, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। जो कि बच्चे किसी बुक को बेटा एक बार लगा ले तो उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, और 5 बार चीजों को लगाने के बाद आपको सोचे कि माइंड में कितनी चीजें रिटेन हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ऐसे चीजें एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो नॉलेज से ज्यादा आप ध्यान दीजिए अपने टाइम मैनेजमेंट पे कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। बेटा टाइम मैनेजमेंट की अगर बात आती है, स्टडी के दौरान 5 महीने के दौरान आपने अपने स्टडी टाइम को कैसे मैनेज किया था, और अगर ओवरऑल बात की जाए, जैसे शुरू में आपके स्टडी और कुछ कम रहे होंगे, लास्ट में जाए तो कुछ ज्यादा रहे होंगे, तो ओवरऑल स्टडी हावर्स क्या रहा था आपका और वो रूटीन कैसे बैठा है आपने पढ़ने का अपना? सर, मैंने स्टार्टिंग में जब कोचिंग ज्वाइन की थी तो मेरा बैच था 7:30 का, तो मैं अराउंड 1:30 यहाँ से फ्री हो जाती थी। उसके बाद मैं जैसे चाहे कुछ भी हो 10 आवर्स की स्टडी रोज मेंटेन करती थी ऑन एन एवरेज डेली। आप शुरू से लेकर लास्ट तक 10 आवर्स, देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है बेटा, बच्चे एक दिन 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। इन्होंने लगातार 5 महीने तक 10 घंटे पढ़ना एक बहुत बड़ा अपने आप में डिटर्मिनेशन को दिखाता है, अपने आप में कंसिस्टेंसी को दिखाता है, अपने आप में डिसिप्लिन को दिखाता है। और ये यही है, अगर आप डिसिप्लिन है अपने किसी फील्ड में, आप कंसिस्टेंट है किसी भी चीज को लेके, तो डेफिनेटली सक्सेस आपके लिए ज्यादा दूर नहीं है। वो 5 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने में इजिली आप अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने। ये यहाँ पर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जो कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं जो हमारे सोशल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जैसे अगर बात करें तो मेरे घर में शादी है, या फिर मेरे दोस्त ने बर्थडे है उसका, या फिर सोशल मीडिया मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इन चीज़ों से आपने कैसे अपने आप को ओवरकम किया बेटा? मैंने फैमिली से थोड़ा सा कट किया था जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ जाना पड़ता है, बट जब बहुत मस्त होता था तो मेरे पेरेंट्स जाते थे, मैं कभी भी नहीं गई ड्यूरिंग माई ना पूरा कम्प्लीट जब तक मेंस नहीं हो गया। ठीक है। और उसके अलावा सोशल मीडिया के लिए सबसे खतरनाक होता है रील्स। बिल्कुल बेटा, ये रील्स चीजें खराब है, बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं बच्चे, तो वो अवॉइड करना चाहिए। मैंने पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर रखा है, अभी तक भी अनइंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब तो आप यूज करेंगे वैसे आगे जगह। चलिए बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप जब भी डीमोटिवेट हुई है इस 5 महीने की जर्नी के दौरान, क्योंकि कहने को 5 महीने लेकिन आपने जब शुरू कॉलेज लाइफ से किया तो काफी टाइम से किया आपने, तो 5 महीने या फिर अपने जो जर्नी है सफलता की उसमें जब भी डीमोटिवेटेड हुई है तो आपने वापस अपने आप को कैसे बाउंस बैक किया बेटा? सर, बाउंस बैक करने के लिए थोड़े टाइम के लिए पढ़ना बिल्कुल छोड़ देती थी। अच्छा, आप बिल्कुल जब भी आप डीमोटिवेट होते आपने पढ़ाई बंद कर दी, ये नहीं कि किताब लेके बैठे रहे? जबरदस्ती पढ़ने का मतलब नहीं होता। ठीक है। फैमिली से, अपने दोस्तों से और टीचर से बात करके मैंने वापस से मोटिवेट करने की कोशिश की। ठीक है, मोटिवेट खुद ही कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस पूरे जर्नी के दौरान आपने फील किया होगा पर्सनली कि कुछ आपकी स्ट्रेंथ है, कुछ आपकी वीकनेसेस है। वो स्ट्रेंथ जो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करी है, और वो वीकनेस जो इस एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोकना चाह रही थी, वो कौन कौन सी है बेटा? स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जैसे पढ़ाई की बात हुई तो टेक्निकल मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन हुआ करता था कॉलेज टाइम से, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई उसे कवर करने के लिए। लेकिन जीके में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया ज्यादा। अच्छा, जीके ने आपका भी ध्यान नहीं दिया? जीके में मैंने, क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तो मुझे लगा था मैं टेक्निकल पहले कवर करूंगा, जीके हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर जीके तो 50 मार्क्स का था बेटा, फिर आपने उसको कैसे बैलेंस किया? मुझे लगा कि हाँ, जब 2 या 3 महीने बचे थे तो मैंने जीके स्टार्ट किया था। ठीक है। मुझसे सिर्फ जीएस पोर्शन कवर हो पाया था साइंस वाला, उसके बेसिस पे मेरे सिर्फ 17 मार्क्स में स्कोर किया। अगर ज्यादा करती तो उससे भी बेटर मार्क्स आ सकते थे। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जीके को स्टार्टिंग से लेके चलें, जैसे टेक्निकल चलना मतलब शुरू से डेली 1-2 घंटे हाँ। 2 घंटे पढ़ते हैं उसको, पढ़ते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाता है और याद भी रहता है। तो देखिए माय डियर, जो एक इस सेशन का यहाँ पे कंक्लूड निकल के आया छोटा सा, वो ये है कि जो जिस चीज को लोग 3 साल 4 साल 5 साल में नहीं कर पाते हैं, उनको अगर चाह ले कोई अपने शिद्दत से तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने में कर देता है। इन चीज के लिए सिर्फ जितना आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, जितना मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा है नहीं। ये अच्छा तब होता है जब आप इसके लिए मेहनत करते हैं, जब आप अपने आप को झोंक देते हैं, जब आप अपने आप को लोगों से कट कर देते हैं, लोगों से बिल्कुल 6 महीने के लिए आउट हो जाते हैं, लोगों की नज़र में आप मर चुके होते हैं, तब जाके आप इतने अच्छे अचीवमेंट को हासिल करते हैं। और डेफिनेटली ये तो सिर्फ शुरुआत है डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ आगे प्लान भी होगा, वो भी आप डिस्कस करेंगे अभी कि आगे इनका क्या प्लान रहेगा। उससे पहले यहाँ पे बेटा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हर बच्चा आपकी तरह बनना चाहेगा, क्योंकि आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं। डेफिनेटली हमारे लिए भी हैं, क्योंकि हम भी बच्चों से मिलते हैं, कई सारी चीज़ें सीखते हैं बेटा। कई बच्चे हम कैसे मिलते हैं, ब्रिलियंट होते हैं बट किसी भी कारणवश, और कॉन्फिडेंस कह दो, चाहे गलत संगत कह दो, चाहे टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट ना कह दो,
वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में अपने एम को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें दुख भी होता है, हम उसको समझाते हैं पर ठीक नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और खासतौर पर मैं उसकी बात करूँगा जो खुद के मन में थोड़ा इन्फीरियर रहता है, उसको लगता है कि क्या पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर क्या पता मैं नहीं कर पाऊंगा, उस स्टूडेंट के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अंतिम समय? सर मैं भी पहले ऐसी हुआ करती थी, बट सेल्फ डाउट करने से हम अपने आप को ही हार्म करते हैं। सेल्फ डाउट छोड़ दें और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं क्रैक करने के लिए। मतलब खुद पे विश्वास पहली चीज, अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करें तो दुनिया पे विश्वास क्यों करेगी? सही बात है, खुद पे विश्वास नहीं करें तो जो आप जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं वो आप पे विश्वास क्यों करेगा? भाई एग्जाम क्या है, कसौटी तो है कि जो आपको परख रही है कि आप मेरे लिए कैपेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना है कि खुद को ये ना समझे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर आपने सोच लिया तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो लाइफ में मस्ट है। जब एक राजा होता है तो राजा के लिए ये नहीं होता है कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, नहीं, राजा के लिए होता है कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा क्योंकि वो राजा है। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर के लिए ये नहीं है कि अगर तुम डिसिप्लिन में रहोगे तो बन जाओगे, नहीं, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना होगा। तो ये तीन चीजें जिसके बेस पे अगर बात करें तो कोई भी अचीव, कोई भी गोल आप हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि ये तीनों चीज़ें आपने बताई है कि आपने इन चीज़ों को शुरू से ही ध्यान रखा है, और आज आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वो एसएससी में अपने आप में एक टॉप डिपार्टमेंट है। आपके जैसे हजारों, इवन मैं कहूँ लाखों स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत के अंदर लाखों स्टूडेंट हैं जो इस डिपार्टमेंट को पाना चाहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो बीआरओ या फिर दूसरा डिपार्टमेंट लेते हैं, उसके बाद वो एक साल दो साल तैयारी करके वापस सीपीडब्ल्यूडी में आना चाह रहे हैं। आपने इस चीज़ को सिर्फ मात्र 5 महीने में कर दिखाया है, तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपके लिए। अब अगर बात की जाए यहाँ पे, जो कि मेरे आपसे एक अंतिम सवाल होगा, वो सवाल ये है कि बेटा व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, आगे आपने क्या सोचा है कि मुझे यहीं पे ही रुक जाना है या फिर इसके बाद भी आपका कोई एम है? मेरा एक इसके बाद में, अब मैं आरपी से एएन के लिए प्रिपेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इससे ठीक है, मैं एक्चुअली वही करना चाहती थी बट क्योंकि मिडवे आया तो इसको देख के मैंने क्रैक किया, ठीक है, ये बहुत इजी रहा मेरे लिए। मैं आरपी से एएन की जर्नी भी ऐसे ही ब्यूटीफुली, तो आरपी से एएन की जर्नी में जोनटेक आपके साथ है बेटा। ऑफलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, इवन स्टडी मटेरियल हो, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, हम लोग जोनटेक परिवार पूरा आपके साथ है। और मैं चाहूँगा, मैं दिल से चाहूँगा कि जिस तरह से आपने एसएससी जेई मेंस के अंदर, एसएससी जेई प्रीलिम्स में दोनों एग्जाम को मिला के मात्र 5 महीने 6 महीने में इस तरह से एग्जाम को क्रैक किया है, टॉपर बने हैं आप, सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आपने लिया है, ऐसे में चाहूँगा बेटा कि जब आरपीएससी एई 2023 एग्जाम जो आएगा उसमें आपका नाम टॉपर्स में आए, जिस तरह से आपने सीपीडब्ल्यूडी लिया है एसएससी जेई में, ऐसे में चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी ले आप आरपीएससी एई में, क्योंकि आरपीएससी एई अपने आप में गजेटेड पोस्ट है। और अगर आप सोच सकती हैं तो आप कर सकती हैं, आपने करके दिखाया, डेफिनेटली आप आगे भी करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे उन्होंने इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना होगा। ऐसे कई सारे फ्रूटफुल सेशन हम आगे भी लेके आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बच्चे क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, और जो हमारे टॉपर्स स्टूडेंट हैं वो क्या कहते हैं जोनटेक के बारे में, क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न को लेके, क्या कहते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में, क्या कहते हैं जो भी आपकी अचीवमेंट है उनके बारे में, क्या कहते हैं जो भी ऑब्स्टकल है उनके बारे में, क्या कहते हैं वो बताते हैं आपको कि किस रास्ते पे किस तरह चलना है। क्योंकि अगर बात करें इस पूरे सेशन की तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस। एक गाइडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो एक फैला हुआ कंटेंट, एक अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा। आप गूगल करिए कुछ भी आपको वहां मिलेगा, आप यूट्यूब पे जाइए आपको वहां मिलेगा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस आपको तभी मिल सकती है जब एक्सपीरियंस आपके पास हो। जैसा कि मैंने रिंकी से बात किया तो इनका एक्सपीरियंस झलक रखा था, इन्होंने जब भी मैंने सवाल पूछे इन्होंने प्रॉपरली मुझे उसका जवाब दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता था, वो उस मार्ग से गुजरे हैं, उस रास्ते से गुजरे हैं, उन्होंने इस चीज को फेस किया है। तो डेफिनेटली आप भी इस चीज को समझें, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें सोचें, इसके बारे में विचार लाएं कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूं। और जब आप ये सोच लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, और एक है आपका विश्वास। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, किसी भी टीचर पे, किसी भी फ्रेंड पे, किसी भी स्टडी मटेरियल पे आपको आंख बंद करके विश्वास करना है, जो भी ऑथेंटिक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अनऑथेंटिक हो, क्योंकि आप कंटेंट को जितना छोटा रखेंगे, उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, डेफिनेटली वो आपके लिए उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपके कोई भी सवाल है रिंकी से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिंकी आपको वहां पे जवाब दे देगी, हम लोग वहां पे आपको जवाब देंगे। और आज का सेशन लेके मुझे बहुत अच्छा लगा रिंकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।